डॉलर के अंतिम संस्कार के लिए एकजुट हुए रूस, भारत और चीन, यानी RIC, ब्रिक्स का अंतिम प्रहार शुरू, धूल में मिलेगा G7, भारत के मास्टर स्ट्रोक से हिला अमेरिका, अब उसकी बादशाहत के दिन गिने चुने। भारत के मास्टर स्ट्रोक के सामने फेल होने लगे अमेरिका के सारे प्रतिबंध, काम नहीं आ रहा डॉलर का धाक। नमस्कार दोस्तों, जी चिल्स ग्लोबल अपडेट में आप सभी का स्वागत है। आइए सब कुछ डिस्कस करते हैं विस्तार से। आज मैं आपको 5 बड़े कारण और फैसले बताने जा रहा हूं, जिसे देखने के बाद आप खुद समझ जाएंगे कि डॉलर का खेल खत्म होने जा रहा है। सबसे पहला कारण है कि अमेरिका को छोड़कर दुनिया के सभी 192 देश चाहते हैं कि डॉलर का विकल्प निकाला जाए, लेकिन डॉलर को तबाह करने में मास्टर ब्लास्टर का रोल निभाने वाला ब्रिक्स है। ब्रिक्स का असली खेल तब शुरू हुआ जब इसमें आर्थिक सहयोग के जरिए दुनिया को डॉलर से मुक्त कराने की योजना बनाई गई। दुनिया भर के व्यापार के लिए अब तक सबसे बड़ी मुद्रा रही है अमेरिकी डॉलर, लेकिन ब्रिक्स देशों को यह समझ आ गया है कि डॉलर पर अत्यधिक निर्भरता किसी भी देश की आर्थिक स्वतंत्रता को कमजोर कर सकती है। इसलिए दुनिया में अमेरिकी डॉलर का दबदबा कम करने की कोशिश लंबे समय से हो रही है और ब्रिक्स इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। रूस, भारत और चीन जैसे देशों ने अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते ये समझ लिया कि डॉलर पर ज्यादा निर्भर रहना खतरनाक हो सकता है। अब आंकड़े खुद ही बता देते हैं कि खेल किस ओर जा रहा है। आज अगर आप सभी वैश्विक आर्थिक आंकड़ों को देखें तो ब्रिक्स का कद G7 से कहीं ज्यादा बड़ा हो चुका है। 1992 में G7 देशों का ग्लोबल GDP में हिस्सा 45% था, जबकि ब्रिक्स का सिर्फ 16%। लेकिन साल 2023 में ब्रिक्स की हिस्सेदारी बढ़कर 37% हो गई और G7 की घटकर 29%। यह सीधा संकेत है कि ब्रिक्स देशों का आर्थिक वर्चस्व बढ़ रहा है और यही वजह है कि ब्रिक्स देश अब डॉलर के मुकाबले अपनी स्थानीय मुद्राओं को प्राथमिकता दे रहे हैं। उदाहरण के तौर पर रूस और भारत के बीच पहले ही सीमित स्तर पर स्थानीय मुद्रा में कारोबार शुरू हो चुका है। भारत ने रूस से तेल की खरीद में यही रास्ता अपनाया। ये न सिर्फ आर्थिक स्वतंत्रता का रास्ता है बल्कि डॉलर की पकड़ को कमजोर करने की एक बड़ी कोशिश भी है। चीन, जो ब्रिक्स का सबसे बड़ा और मजबूत खिलाड़ी है, काफी पहले से अपने युवान को डॉलर का विकल्प बनाने की कोशिश कर रहा है। अफ्रीका और एशिया के कई देशों के साथ चीन ने युवान में व्यापार के समझौते किए। यह अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका है क्योंकि चीन की मुद्रा अब डॉलर के सामने खड़ी हो रही है। चीन और रूस के बीच जिस तरह से स्थानीय मुद्रा में व्यापार हो रहा है वो दिखाता है कि डॉलर की जगह कोई और लेने वाला है। डॉलर के खत्म होने का दूसरा सबसे बड़ा कारण है इसकी लोकप्रियता घट रही है और अमेरिकी प्रतिबंध भी प्रभावित नहीं हो रहे। एक वक्त था जब डॉलर ही सब कुछ था, हर लेन देन हर व्यापार डॉलर में होता था, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। ब्रिक्स देश लगातार ऐसे कदम उठा रहे हैं जिससे वो वैश्विक व्यापार में डॉलर की भूमिका कम कर सकें। उदाहरण के लिए रूस ने हाल ही में भारत से तेल की खरीद फिरोख्त स्थानीय मुद्रा में करनी शुरू कर दी। यही कारण है कि ब्रिक्स देशों का प्रभाव बढ़ रहा है और डॉलर की पकड़ कमजोर हो रही है। पुतिन का साफ कहना है कि दुनिया अब ये सोचने लगी है कि क्या डॉलर का इस्तेमाल सही है या इसे छोड़कर किसी और रास्ते पर जाना चाहिए। ब्रिक्स देशों का कुल वैश्विक उत्पादों के निर्यात में लगभग 1/4 हिस्सा है, यानी जब ये देश मिलकर डॉलर का इस्तेमाल कम करेंगे तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। डॉलर को खत्म करने के लिए तीसरा सबसे बड़ा हथियार चीन है। अब देखिए, चीन इस खेल में मास्टर है। उसने अपने युवान को डॉलर का विकल्प बनाने का अभियान बहुत पहले से शुरू कर दिया और अब ब्रिक्स के मंच से वो इसे और मजबूत कर रहा है। लेकिन भारत चीन के इस कदम से सतर्क है। हालांकि अगर दुनिया में डॉलर के अलावा कोई खड़ा होगा तो इससे भारत समेत सभी देशों को फायदा ही होगा। चीन और रूस के बीच जिस तरह से कारोबारी रिश्ते बन रहे हैं वो इस दिशा में बड़ा कदम है। चीन ने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई देशों के साथ अपने व्यापारिक रिश्ते युआन में ही तय किए हैं और इसी वजह से अमेरिका की नींद उड़ चुकी है। डॉलर के खत्म होने का चौथा सबसे बड़ा कारण है ब्रिक्स का आक्रामक विस्तार। जब ब्रिक्स की शुरुआत हुई थी तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह संगठन इतनी जल्दी इतनी बड़ी ताकत बन जाएगा। अब इस संगठन में ईरान, मिस्र, इथोपिया, UAE और सऊदी अरब जैसे देशों की एंट्री हो चुकी है और इस बार के सम्मेलन में तकरीबन 30 नए देश शामिल होने जा रहे हैं। और जैसे जैसे ब्रिक्स का कद बढ़ेगा वैसे वैसे डॉलर की धाक कमजोर पड़ती जाएगी। इन नए देशों के आने से न केवल राजनीतिक रूप से बल्कि आर्थिक रूप से भी ब्रिक्स का प्रभाव बढ़ चुका है। ये नए सदस्य भी ब्रिक्स के गैर डॉलर वाले मॉडल को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएंगे।
डॉलर के खत्म होने का पांचवां सबसे बड़ा कारण है कि अमेरिकी प्रतिबंध अब अमेरिका के खिलाफ ही काम कर रहे हैं। जब पश्चिमी देशों ने रूस को G8 से बाहर निकाला था, तब रूस के लिए ये वाकई एक बड़ा झटका था। रूस की अंतर्राष्ट्रीय साख और उसकी आर्थिक ताकत पर सवाल खड़े हो गए थे। G8 से निकाले जाने के बाद रूस को लगा कि अब उसे वैश्विक मंच पर समर्थन मिलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये रूस का अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत थी। ब्रिक्स का गठन हुआ तो कुछ साल पहले था, लेकिन पश्चिमी देशों के साथ इस टकराव ने रूस को मजबूर किया कि वो इस संगठन को नई ऊंचाइयों तक ले जाए। और यहां रूस को सबसे बड़ा समर्थन मिला भारत और चीन का। अब पुतिन ने तो साफ कह दिया कि अमेरिका ने लगातार रूस पर प्रतिबंध लगाकर खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। अमेरिका ने सोचा था इससे रूस को नुकसान होगा, लेकिन असल में इसका नकारात्मक असर खुद अमेरिका पर पड़ा है। अमेरिका के कुछ पारंपरिक सहयोगी भी अब अपने डॉलर भंडार को कम करने में लगे हैं। इसका मतलब ये है कि सिर्फ ब्रिक्स ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देश अब डॉलर से हटकर किसी और विकल्प की तलाश में हैं। रूस ने इन प्रतिबंधों का सामना करते हुए अपने आर्थिक संबंधों को मजबूत किया, खासकर चीन के साथ। अब यूरोप से लेकर एशिया तक कई देश डॉलर के बिना कारोबार के विकल्प तलाश रहे हैं। रूस और चीन अब मिलकर नए वित्तीय रास्ते बना रहे हैं जो डॉलर के बिना काम कर सकते हैं, और इसमें ब्रिक्स का मंच सबसे अहम भूमिका निभा रहा है। ये संगठन न केवल आर्थिक बल्कि राजनीतिक रूप से भी अमेरिका की बादशाहत को चुनौती दे रहा है। चीन ने पिछले दशक में कई अफ्रीकी देशों को युआन में कर्ज दिए, जिससे उन देशों के व्यापारिक लेन देन में डॉलर की जगह युआन ने ले ली। डॉलर के खत्म होने के पीछे छठा सबसे बड़ा कारण स्विफ्ट सिस्टम का ध्वस्त होना। अब एक और खेल है जिसे ब्रिक्स खत्म करने की कोशिश कर रहा है, वो स्विफ्ट सिस्टम है। ये वो सिस्टम है जो दुनिया भर में बैंकिंग लेन देन को संभालता है, और इसकी पूरी कमान पश्चिमी देशों के हाथ में है। अब रूस और चीन के नेतृत्व में ब्रिक्स देशों का कहना है कि हमें स्विफ्ट का विकल्प चाहिए ताकि हम बिना डॉलर के अपनी स्थानीय मुद्रा में कारोबार कर सकें, और जैसे ही ये विकल्प आ जाएगा डॉलर का खेल लगभग खत्म हो जाएगा। पुतिन और सी जिनपिंग लगातार इसी दिशा में काम कर रहे हैं। अब बात तो साफ है, अमेरिका का दौर ढलान पर है और ब्रिक्स का सूरज उग रहा है। जिस डॉलर ने सालों तक वैश्विक व्यापार को कंट्रोल किया, अब वही डॉलर खुद अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। और इसमें सबसे बड़ा हाथ है ब्रिक्स देशों का, जिन्होंने अपनी आर्थिक नीतियों से दिखा दी कि अब वो किसी एक देश के इशारे पर नहीं चलने वाले। भारत, रूस और चीन अब इस खेल में नए खिलाड़ी हैं, और वो खेल बड़ा होने वाला है। इस पूरे खेल में भारत की भूमिका बेहद अहम है। भारत ने न केवल ब्रिक्स को मजबूत करने में मदद की, बल्कि उसने अपनी कूटनीति से ये भी सुनिश्चित किया कि ब्रिक्स कोई पश्चिमी विरोधी संगठन न बने बल्कि एक गैर पश्चिमी मंच बने। भारत ने इस मंच को संतुलन में रखा ताकि इसके जरिए वो अपने दीर्घकालिक हितों की रक्षा कर सके। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स या फीड बॉक्स में लिख सकते हैं। आप देख रहे थे जी चिल्स, जल्द पूरे होंगे आपके सारे बिल। धन्यवाद।